जौनपुर तहसील क्षेत्र के अहौला थाना के दाऊदपुर सुल्तानीपुर गांव निवासी पीड़ित महिला भानुमती ने उपजिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का आरोप है कि मेरे बड़े बेटे गुलाबचंद द्वारा मेरी जमीन का फर्जी पहले हिब्बानामा करवाया गया, उसके बाद मेरे बेटे की नीयत खराब हो गई और मेरी जमीन पर लालच आ गई। करोड़ों की जमीन हड़पने के चक्कर में पड़ गया, जिसके चलते वह पेंशन बनवाने के नाम पर मेरी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए जालसाजी रचा। वह मेरी जमीन की रजिस्ट्री करवाने ले गया। जब रजिस्ट्रार द्वारा मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे पास कितने बेटे हैं, तो मैंने बताया कि मेरे पास 3 बेटे हैं, तो अपने जमीन का सारा हिस्सा क्यों बड़े बेटे को रजिस्ट्री क्यों कर रही हो। पीड़ित महिला ने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, मेरा बेटा मुझे पेंशन बनवाने के लिए लेकर आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जालसाजी करके मेरी जमीन अपने नाम करवाना चाहता है। जब मेरे द्वारा जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई, तो वह फर्जी तरीके से वह रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लिया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा उपजिलाधिकारी से की गई। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया गया। उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्या ने बताया कि टीम गठित कर जांच की जा रही है, दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? संतोष कुमार जायसवाल, निवासी स्वर्गीय थाना श्री बुद्धू जायसवाल, निवासी ग्राम सुल्तानपुर दाऊदपुर। क्या समस्या? समस्या सर ये है कि माता जी को पेंशन के बहाने बड़े भाई गुलाबचंद जायसवाल पेंशन के बहाने ले गए थे। असल में हिब्बा नामा साहब इनके नाम से 3 जमीनें ली थी, 2 चौरा खड़ा, 1 चौरा खड़ा में, 2 दाऊदपुर में नंबर था। टोटल जमीन 23.5-24 हिस्सा है। वो जमीन हिब्बा नामा पेंशन बहाना ले जाकर करवा लिए, धोखाधड़ी से पेंशन के बहाना ले गए। और ये तब से अपना रोती बिलकती हैं, इनको जब मालूम हुआ तो जाकर दीवानी की, दीवानी से उनका 8 साल के बाद मुकदमा जीत गई। जीतने के बाद फिर वो अपील करके कैसे कैसे अपना पैसा कर दिए, क्या किए, फिर उनका हुआ तो ये जाकर हाई कोर्ट दाखिल किए हैं। अब इनका यही है, श्रीमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनकी ज़मीन इनके जीते जी इनके नाम आ जाए। इनका जो सेवा बर्दाश्त करेंगे तीनों लड़कों में से, उनको देना चाहेंगे देंगे, नहीं तो मरने के बाद तीनों का हक तो होना ही है। जीते जी ज़मीन इनके नाम पे आ जाए, ये अपना रोती हैं तड़पती, इनका सेवा बर्दाश्त कोई करने वाला है नहीं। जैसे हिब्बा नामा की बात आप कर रहे हैं, तो हिब्बा नामा जो हुआ है ये तो जी रहे हैं, फिर कैसे जो है खारिज दाखिल वगैरह करा लिया बता रहे हैं? वही सब खाली दाखिल वगैरह जो कराए वो फ्रॉड करके फर्जी कराए हैं, और जो भी अधिकारी किया है उनको भी सजा होनी चाहिए। कैसे आखिर में, जब दान पत्र का मतलब होता है कि जो इनका परवरिश करे वही हिब्बा नामा होता है, और ये जीते जी इनके करा लिए, तो फर्जी हुआ ही है। अच्छा, इनको पता नहीं था कि इनको पता नहीं था कि हमें ये ज़मीन हम लिखवा देंगे, तो मालूम है हमें वृद्धा पेंशन मिल रही है, पेंशन के कागजात तैयार किए थे पहले से अंगूठा लगाना था। वो भी अंगूठा सादे पेपर पर ही लगवाए हैं, ये बता रहे हैं जी। ना उसमें कोई हमारा भाई गवाह है, ना नात रिश्तेदार है, ना कोई गांव का है, वो भी गवाह है। 22 किलोमीटर दूर वहाँ उसका घर है, यहाँ ननिहाल में रहता रमेश चंद यादव, अच्छा कोठा कटाई चवर के हैं, वो गवाही किए हैं। उनके भी उनका भी हमारे पास जीरा बयान सब कुछ है। वो कहें कि हमें ला कर गुलाब गवाही क्या बता रहे थे गुलाब के ऊपर? गुलाब के ऊपर मुकदमा जब इनको मालूम हुआ तो 419-20-67-68 मुकदमा भी धोखाधड़ी का हुआ है। अच्छा, गुलाब के ऊपर तो गुलाब के ऊपर हुआ तो 467-68 अपना कैसे कैसे पैसा दे करके अब मानी सीओ साहब के यहाँ से निकालवा गया, मुकदमा कैसे क्या हुआ वो भी मुकदमा भी चल रहा है मौके पर। जी चलो, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय हो इनके हक में, इनकी ज़मीन इनके नाम पर आ जाए, अपना जिसको चाहे उसको दें या ना दें। भानुमती जायसवाल, कौन सा गांव है? दाऊदपुर। क्या समस्या है? समस्या ये साहब है कि वक्त बहाना विधवा पेंशन के बहाना हमें जोन लेवे के लिए आ गई है। के लिए आए हैं? पेंशन के बहाना गुलाब। अच्छा, हमारा लड़का हम बड़ा। अच्छा, पेंशन के बहाना लिया गई ना, और वहाँ हिब्बा बैनामा हमसे कर रहे हैं 5 बजे साँझ के। जब तहसील बंद हो गई? तहसील बंद हो, सब चल गए, खाली स्टार रहने जो हम उठा लगा तो रह लिए सब। अच्छा, और क्या कहना है आपसे? गुलाब हमसे कुछ ना कहना, गुलाब हमसे कुछ ना कहना। जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में गई, रजिस्ट्रार साहब आपसे पूछे कुछ? हाँ, स्टार पूछने की आपके क्या लड़के हैं? हम बोलने की चाहे 3 लड़के हैं। अच्छा, स्टार कहने की कहें एक कट देती, कहें और दोनों के ना देती, कहनी साहब हम देते ना है ये पेंशन दियावे खातिर हमें ले आ लूँ, साहब हम पढ़े लिख लेना है, हम कुछ ना जाने। फिर क्या हुआ?
रजिस्ट्रार साहब क्या बोले? रजिस्ट्रार साहब फिर कुछ ना कहना, अपन काजन के फाइल लिया के दहले। नहीं, कागज पर दस्तखत कराए आपसे? हाँ, फाइल पर दस्तखत, यानी कि अंगूठा लगवा, वो फाइल अगवा बनवाले रहा, चार दिन के पहले कुल कागज सही कर रहे। हाँ, खाली हमसे ऐसे हाथ अंगूठा लगवाओ कैसे ऊपर लिया गया। अब वो कहते हैं ऊपर हमें कहाँ लिया जा, सो हम ऊपर ना जाए, कहने तनी एक काम होते। अच्छा, तो रजिस्ट्रार साहब के सामने आप गए तो कागज वगैरह पेश किए आप? हम कागजात दिए रजिस्ट्रार साहब को? जी हम नहीं सर, हम कुछ ना जाने, हम अंगूठा लगवा के मशीन नीचे चल जाएगा। अच्छा अच्छा, अंगूठा आप लगा दिए हैं? हाँ, कागज पहले से तैयार था? कागज पहले से तैयार रहना है, पहले से तैयार था। तो आप क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे तीन लड़का हमें, तीनों लड़के के यानी कि बराबर बराबर हिस्सा चाहिए। बाकी हमें 8 बरिस 9 बरिस हमें साहेब दौड़ना है, हम मुकदमा करेंगे, मुकदमा से हमारा जीत भाई, जीत भाई जकरे बाद वो अपन जाए के फिर पैसा वैसा दे के अपने नामे करा लेंगे। अच्छा, आप अपना खेत जो है तीनों बच्चों में बांट देंगी? ना ये बांटब ना, बहुत हम जिजला ये अपन फन में कोर्ट कचहरी दिखाओ था, जब ले हम जब कहो ले हम अपनी जमीन ले ले जाती, हमारे नामे आ जाती, क्यों कि ना दे। अच्छा, तो